आज हम आपको बताने जा रहे हैं कश्मीर का एक ऐसा स्कूल जो पूरे 13 साल बाद खुला है। सरकारी स्कूल है और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद पड़े हुए हैं, पर एक बहुत बड़ा कदम, एक अच्छी पहल जो आज 13 साल बाद इस सरकारी स्कूल को खोला जा रहा है। आपको बता दें, अवंतीपुरा के कदलीबाल इलाका है जहां पर ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। सीधा स्पॉट पर आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे सीनियर साथी शेख कोसर ज्वाइन कर चुके हैं। शेख कोसर, बताइएगा क्या वजह थी जो पिछले 13 साल से ये स्कूल बंद था, और आज किसने ये पहल की है जिसकी वजह से ये स्कूल अब खुल पाया है? जी बिल्कुल प्रियंका, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कदलीबाल अवंतीपुरा में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्कूल है ये 13 साल से बंद था, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंटों का रोल बिल्कुल भी नहीं था। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक पहल की है और तकरीबन 10 बच्चों को यहाँ पे ऑन स्पॉट एडमिशन किया, तो ये जिससे आम लोगों में खुशी की लहर पैदा हुई। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पे हमारे साथ ZDO अवंतीपुरा मिशन आगा साहब, महादेव आगा साहब है, ये इनकी पहल है और इनके इनका जो पूरा टीम है, तो लोगों ने इनकी सराहना की। तो इसके साथ भी इस हवाले से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि 13 साल ये बंद क्यों रहा और आज 13 साल के बाद ये ओपन कैसा हुआ। आगा साहब, जेके न्यूज पॉइंट पे आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताए कि ये जो स्कूल 13 साल से बंद था, तो आज ऑन स्पॉट यहाँ पे 10 बच्चों का जो एडमिशन हुआ था, इसके बारे में आप बताए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब की डायनेमिक लीडरशिप। हम भी ये एनरोलमेंट ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने 3 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग ली अपने एनरोलमेंट की, तो मुझे पता चला कि हमारे एक यहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल कदलीबाल, जो पिछले 13 साल से बंद है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रोल जीरो था। और इस स्कूल में एक यहाँ पे जो लैंड डोनर है, जिसने उस वक्त आज से 30 साल पहले जमीन डोनेट की है, वो इसी में रिहायश पजीर है। अब सबसे पहले मैंने वहां पे यहाँ आए और हमने पहले सबसे पहले कब्जा यहाँ से छुड़ाया, आज बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया, गवर्नमेंट के कब्जे में ले लिया, और ऑन स्पॉट हमने 10 एडमिशन किए यहाँ। असल में मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी भेजना, अब वो सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। आप देखिए तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं उसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की, जहां पर बच्चे बेहद खुश नजर। चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। तो शेखो सर, इन बच्चों से जानने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी खुशी इनमें है। जी जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बच्चों के साथ बात कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरे साथ ये बच्चे हैं, ये देखे इनमें खुशी की लहर है। इनसे पूछेंगे कौन से चक्कर किसी ने मायरा चक्का चक बस चक्कर को एडमिशन लेते वन 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 सच चक्का चिना चक्का चक पढ़ा चक्कर को एडमिशन चक से खुशी से होंगे खुशी से इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चक्कर को खुशी बड़े माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, आज 3 माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद एक बार फिर सभी स्कूलों को खोलने का हुक्मनामा सादिर हुआ, जिसके तहत डायरेक्ट्रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक और बात की अक्कासी करती है कि ये बच्चे नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ और नए उमंग के साथ आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये साल हम सब के लिए। मैं ये शेर के साथ ये सेशन इख्तिताम करता हूँ कि दोनों की परवाज उसी एक फिजा में, करगिस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और है। थैंक यू वेरी मच।